अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को भी नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को भी नाज़रीन के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है वाइट चिकन स्ट्यू और उसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए पहले हमें कुछ यहाँ मसाले दरकार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद तेज़पत्ता लिए हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है, यहाँ पे जायफल जावित्री है और काली मिर्च है और ज़ीरा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस मसाले को जो सा है वो पकाना है। इसके बाद जो चिकन वाइट और जो स्ट्यू की हमारी रेसिपी है उसको हम तैयार करेंगे। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और उसको शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो सा है मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैंने इसको तेज़ गर्म कर लिया है, तेज़पत्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने शामिल कर लिया है। इसको हमने भूनना है और इसके बाद हमने जो सा है बाकी मसाले भी इसके अंदर डाल लेने हैं। इतना हम लोगों ने इनको भूना जब तक जो उनसे मसालों की खुशबू वो नहीं आ जाती, मसालों का फ्लेवर नहीं आ जाता। तो पहले थोड़ा सा हम तेज़पत्ता को इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं और फिर 2 मिनट के बाद यही मसाले जो उनसे मैंने अभी आपको दिखाए हैं इसका भी अरोमा लेने के लिए हम इसको शामिल कर देते हैं। चलिए अब हम लोग ये भी शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मज़ेदार ही हमारी चिकन की रेसिपी तैयार होगी। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। ये आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का प्यार और हमारी हौसला अफजाई है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने 1/2 kg के करीब जो सा चिकन लिया है और इतने ही हम लोगों ने जो से हैं प्याज लिए हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट दरमियाने साइज़ के प्याज दे लिए हैं और उनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। तो अब जो मसाला हमारा वो भून चुका है, ये आप देख सकते हैं कि मतलब कलर जो सा है वो ऑयल का चेंज हो गया है और जो मसाला है उसमें भी खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। तो अब इसी स्टेज के ऊपर जो प्याज अभी मैंने आपको दिखाए हैं, 3 से 4 मिनट दरमियाने साइज़ के प्याज दिए क्योंकि हम लोग चिकन वाइट स्ट्यू बना रहे हैं तो इसके लिए हमने ये प्याज यूज़ करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने प्याजों को इतना पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, मतलब तो हम लोगों ने बस इसको लाइट पिंक कलर देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ना ही ओवर कुक करना है। तो मैं अभी इसका मसाले के साथ इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेती हूँ घी के अंदर, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं प्याजों का जो सा कलर चेंज हो गया, प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पे हम लोगों ने इसके अंदर जो सा शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच जो सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। इसको भी हम लोगों ने अच्छे से जो सा है इतना पका लेना है ताकि जो सा इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका अरोमा जो सा है वो हमारे प्याजों वाले मसाले के अंदर आ जाए, ताकि जो हमारी रेसिपी है चिकन वाइट स्ट्यू की वो बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं ताकि जो है इसका फ्लेवर ज़्यादा एनहेंस हो जाए और टेस्ट इसका डेवलप हो जाए। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून लिया। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन भी हम लोगों ने डाल दिया इसके अंदर और हमने चिकन को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब हम लोगों ने चिकन को माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अभी हम लोगों ने कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड नहीं किया, सिर्फ हम लोगों ने शुरू में जो आपको मसाले दिखाए थे वही भुने थे, तो उसी का ही फ्लेवर बहुत अच्छा इसका आ रहा है खुशबू ना। तो अब मैं इसके अंदर जो सा है नमक भी शामिल कर देती हूँ। हम लोगों ने कोई भी और एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं शामिल करना क्योंकि चिकन वाइट स्ट्यू की रेसिपी है, तो इसलिए अगर हम लोग कोई और चीज़ शामिल करेंगे तो जो इसका कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज़रा अपना टेस्ट, क्योंकि पाकिस्तानी खाना है तो इसके वो फिर थोड़ा सा स्पाइस का टच भी होना चाहिए, लेकिन कलर को भी मद्देनज़र रखना है। तो इसलिए मैं इसके अंदर जो सा है वो दादी मिर्च 1/2 टेबल स्पून मैंने शामिल की है। बस अब हम लोग इसी चीज़ के अंदर जो सा है इसी मसालों के अंदर अपनी इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो अब मैं जो सा है गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और फिर इसको पकने के लिए रख देती हूँ ताकि जो गोश्त है वो गल जाए। ये बस अब हम लोगों ने 20 मिनट इसको पकाना है और फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, अब इस स्टेज के अंदर हम इसके अंदर जो है 1 कप दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामिल कर रहे हैं और फिर इसके बाद जो से हमारी रेसिपी है बिल्कुल हो जाएगी फाइनल। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए चिकन वाइट स्ट्यू जो हमारा है हो रहा है तैयार। तो इसको हम लोग अब मज़ीद 5 मिनट पका लेते हैं। इसके बाद जब ये घी छोड़ देगा तो हमारी जो सी रेसिपी हो जाएगी बिल्कुल फाइनल। तो गोश्त तकरीबन गल गया और खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो व्यूअर्स, जब आप देखते हैं कि जो हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें व्यूवर्स, आप लोग इसके ऊपर घी भी आ गया है और हमारे जो चिकन व्हाइट स्ट्यू की रेसिपी होगी है तैयार। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को भी ना तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो व्यूवर्स देखते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह हाफिज़।